हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको काल के बारे में और भूतकाल के बारे में तथा उसके उपभेद बताए थे। आज हम इस वीडियो में वर्तमान काल और भविष्य काल के उपभेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले काल की परिभाषा फिर एक बार जान लेते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्ण या अपूर्ण का ज्ञान होता हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। हमने आपको भूतकाल के बारे में और भूतकाल के उपभेद के बारे में बताया था। आज हम आपको वर्तमान काल और भविष्यकाल के उपभेद बताएंगे। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, यह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, यानी वह लड़का अभी भी पढ़ रहा है। वह सुबह शाम दूध पीता है। अब दूसरा भेद, अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। यानी इसमें माँ भोजन बना रही है, अभी वो बना रही है, यहाँ पर कार्य अपूर्ण है, इससे यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी, यानी यहाँ पर संदेह है कि बच्चा रो रहा होगा, कि बच्चा रो रहा है या और कोई कार्य कर रहा है, यहाँ पर अभी रोने में संदेह है। अब बच्चों, हम आपको भविष्य काल के बारे में बता रहे हैं। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा। यानी यहाँ पर सामान्य संदेह बताया जा रहा है कि खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अगर खिलौना बच्चे को नहीं मिलता तो वो रोएगा। दूसरा आते हैं, संभाव्य भविष्य काल। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, यहाँ पर क्रिया के होने की संभावना सोची जा रही है कि शायद वर्षा हो सकती है और प्रधानमंत्री राजस्थान शायद आ सकती है। तीसरा, हेतु मत भविष्यत काल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर है, यदि बच्चा रोता है तो उसे माँ संभाल लेगी और यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर प्राप्त करोगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको काल के बारे में विस्तार पूर्वक बताने पर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।